नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की हमारी वीडियो एक बार फिर प्रेरणा पोर्टल से संबंधित है। प्रेरणा पोर्टल हमारे विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्टल हो गया है। ज़्यादातर विद्यालय के काम हमारे इसी पोर्टल पर संचालित होते हैं, जैसे कि स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन करना है नए या फिर पुराने स्टूडेंटों को अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र करना है, उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। और इसके अलावा अगर SMC मेंबर्स हैं तो उनका विवरण भी दर्ज होता है प्रेरणा पोर्टल पर ही। इसके अलावा कंपोजिट ग्रांट का इस बार DCF भी प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाएगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी प्रेरणा पोर्टल पर ही होता है, भरा जाता है उसका विवरण, वो पिछले साल भरा गया तो उसकी वीडियो बनाई थी हमने, हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी आपको। और इस वर्ष जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा भरा जाएगा उसकी वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फिलहाल जो हम वीडियो लेकर आए हैं आज, वो आए हैं मिड डे मील की, जो बच्चों की संख्या है IVRS कॉल के द्वारा जब वो गलत हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए अब हमें किसी के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम अपने प्रेरणा पोर्टल को खोलकर उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे सही, वही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल पर सबको लॉगिन करना आता होगा, फिर भी फटाफट से मैं बता देता हूँ। आपको टाइप करना है prerna.up.in, उसके बाद आपके पास ये पेज खुलकर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक डाटा अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास इस तरह से पेज खुलकर आएगा। तीन ऑप्शन आएंगे, टीचर लॉगिन, यूजर मैनुअल और ये वाला। टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये लॉगिन वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है, OTP आएगा उसे डालना है और आप अपने विद्यालय के प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जो कि इस प्रकार ये हमारा होम पेज है। जब हम प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं अपनी फ़ोन नंबर से तो हमारा जो होम पेज है विद्यालय का वो इस प्रकार खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन उल्टे हाथ पर दे रखे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर सब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब जो MDM के डाटा से संबंधित जो ऑप्शन है वो आपको बताता हूँ कौन सा। देखिए वो है हमारा ये IVRS डाटा वाला ऑप्शन जो आ रहा है, ये वाला। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के थ्रू आप जो मिड डे मील की संख्या गलत दे दी गई थी उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो अगला पेज खुलेगा वो हमारा इस प्रकार ये वाला पेज खुलेगा। इसमें स्कूल का नाम होगा, स्कूल की टाइप होगी और इनरोलमेंट यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर ये डेट है, 1 तारीख को कितने बच्चों ने मिड डे मील का डाटा दिया है आपने, 2 तारीख को कितना दिया है, 3 को 4 को 5 को। देखिए यहाँ पर कुछ तो ब्लैक में है और कुछ ब्लू में है, तो ये बात मैं आपको बता दूँ, आप केवल ब्लू वाले ही इसमें ठीक कर सकते हैं। और ब्लू वाले कौन से होंगे, जो आपका आज दिन है उससे 2 दिन पिछला, यानी कि अगर 5 अप्रैल है तो आप 4 और 3 अप्रैल तक का डाटा यहाँ पर देखिए ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चेक करना है अगर आपका डाटा, तो यहाँ पर आप मंथ और ईयर डालकर सर्च कर देख सकते हैं कि मेरा मिड डे मील का डाटा ऊपर कितना गया हुआ है, किस महीने में और किस साल में। ठीक है, अगर मान लो आपको ठीक करना, मान लीजिए आपने आज की डेट में जो डाटा है वो 26 वो गलत दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, 26 वाला जो नीले रंग वाला है इसी पर क्लिक कर देंगे, 26 के ऊपर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास इस प्रकार एक पेज खुलकर आ जाएगा। ये पेज क्या है, इसमें आपको केवल भरना है रीजन फॉर चेंज डाटा। रीजन क्या है, उसमें या तो सर्विस की एक दे रखा है और एक ऑप्शन और है, 2 ऑप्शन है, आपको चूज कर लेना है उसमें से कि आपका जो सिग्नल है वो प्रॉब्लम है या कोई अन्य समस्या है। इसके बाद यहाँ पर कितने बच्चों ने खाना खाया है वो सही वाली संख्या यहाँ लिखनी है और अपने मिड डे मील रजिस्टर का फोटो यहाँ पर स्कैन वो खींच कर इसमें अपलोड कर देना है और यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड कर देना है, वो डाटा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो केवल इतनी छोटी सी प्रक्रिया से आप अपने मिड डे मील में जो आपने बच्चों की संख्या गलत चली गई है किसी वजह से उसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और पर इसमें मुख्य बात यह है कि आप केवल पिछले 2 दिनों का ठीक कर पाएंगे। अगर आप कहें कि मुझे पिछले महीने का डाटा ठीक करना है या 10 दिन पहले का करना है तो वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही यही हमारी आज की वीडियो है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी, अच्छी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।